शहर में घूम रहा है खूनी नौकर। कैसी कैसी न्यूज आ रही है? सही में कुछ और लगा। बीवी मेरे लिए सैंडविच बना दो। मेरे लिए भी भाभी चीज वाला। ये लो सैंडविच। हेलो। गाइस ये मेरी बीवी ना आज इस घर में खूनी नौकर को बुला के रहेगी और पता नहीं फिर हम दोनों की जान बच पाएगी या नहीं। ये तो आपको भी जो एंड तक ही देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो लाइक कमेंट कर देना प्लीज। जब देखो ऑर्डर देते रहते हो। सुन लो निकल लो, मैं कोई काम नहीं करूंगी, मुझे नौकर चाहिए नौकर। शहर में घूम रहा है खूनी नौकर। सब्जी काटने से पहले ये काट देगा आपका गला, झाड़ू मारने से पहले ये आपको मार देगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना काम खुद करें। देखा तुम नौकर नौकर कर रही हो और शहर में खूनी नौकर घूम रहा है। बकवास चैनल है ये। कल खूनी एलियन घूम रहा था, उससे पहले आधा इंसान आधा जानवर घूम रहा था और आज खूनी नौकर। सीधे सीधे बताओ इस घर में नौकर कब आएगा? बेबी मैंने वॉचमैन को बोला है नौकर आ जाएगा। हाँ मिला था वो वॉचमैन मुझे, बता रहा था जितना बजट तुमने दिया है ना उसमें नौकर तो छोड़ो तो टॉफी भी ना आए। सो चीप पंकज, इतना सस्ता बजट। चुप करके बैठ जा, तुझे पाल रहा हूँ ये कम है क्या? नौकर कहाँ से पालूंगा। निकलो घर से दोनों के दोनों और जब तक नौकर नहीं आता तुम दोनों की एंट्री बंद। निकलो अभी के अभी। ये अब गेट पे कौन आ गया? नमस्ते। कौन है बे तू? क्या चाहिए? और कोई सेल्समैन है ना तो यहाँ से निकल जा, हमारा मूड ना भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, निकल यहाँ से। हाँ मैं नौकर और नहीं जरूरत है तो चलते हैं। अरे भैया 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 गलती हो गई भैया, मेरे मुंह से निकल के भैया जाइए मत प्लीज भैया। ऐसे कैसे जाने देंगे, आप नौकर हैं, मदद के रूप में आए हमारे पास। हाँ ठीक है, नहीं जा रहे किधर भी। थैंक यू भैया जी, गुड्डू हम बच गए, अब हमें घर से कोई नहीं निकालेगा, हम बच गए। कौन है ये? अरे ये नौकर है, अभी अभी रखा है हमने इसको यहाँ परमानेंट। अच्छा इससे पूछ तो लो पैसे कितने लेगा, कब आएगा कब नहीं आएगा। अरे सब डन हो गया, तुम चलो अंदर। अरे भैया आ जाओ चलो तुम अंदर चलो चलो चलो। सॉरी भाई आ बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा फ्रिज की सफाई जितना भी काम था सब कर दिए हम। अरे वाह राजू तू तो सुपर हीरो निकला, सुपर नौकर मैन। देखा बेबी क्या मस्त नौकर लाया हूँ मैं, कर दिया ना सारा काम। अच्छा ठीक है अब हम जा रहे हैं आराम से किचन में सोने। ठीक है गुड नाइट। जाओ पंकज जाके राजू को किचन में तकिया दे आओ। हाँ भाभी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, जा देकर आ। अबे ओ तू देकर आ निकल। आज इन तीनों को मार करके मैं सुकून की नींद सोऊंगा। अबे गुटखा थूक के बोलना। क्या कर रहा है? एकता कपूर का सीरियल चल रहा है क्या? कर रहा है? खूनी नौकर, खूनी नौकर, खूनी नौकर क्या? अरे ये राजू जो नौकर है ना ये खूनी नौकर है, मैंने अपने कानों से सुना है। ये तीनों को मारना चाहता है और तीनों को मार के आराम से सोना चाहता है। क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। भाई तेरे को मेरे पे यकीन नहीं है ना तो खुद चल के देख ले कसम से। आज इन तीनों मच्छरों को मार ही दूंगा, परेशान कर रखा है इन्होंने। अरे मेम साहब और साहब आप
कुछ काम था क्या हमारे लिए? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम गुड नाइट बोलने आए थे, सो जाओ। ठीक है मैडम, गुड नाइट। साले तेरे चक्कर में ना आज इस नौकर को निकाल देते हम। अबे कहां से लाते हम नए नौकर ढूंढ के? गुड्डू जा, जाकर सोफे पर सो जा वरना मर्डर कर दूंगी तेरा। चलो बेबी। यार मैं भी ना कुछ भी सोचता हूँ, ये राजू तो अच्छा इंसान लगता है। गुड नाइट बेरोजगार भैया। अरे भाई साहब उस तो झोल है, मम्मी कोई तो बचाओ। क्या हुआ? वो खूनी नौकर, उसने पंकज को मार दिया। अरे तौबा तौबा तौबा। पंकज तू जिंदा है? हाँ जिंदा हूँ, पॉटी कर रहा था। अरे राजू नौकर कहीं नहीं मिल रहा है, वो गायब है सुबह से। किचन में से 500 रुपए भी गायब है। अरे 500 रुपए गए भाड़ में, नौकर का वापस आना ज्यादा जरूरी है। चलो ढूंढ के लाते हैं उसे। ओके बेबी। गुड्डू तू यहीं घर पे रुक, घर का ध्यान रखियो, और अगर वो नौकर वापस आए तो हमें फोन करके बता दियो, हम उसे ढूंढ के आते हैं। ठीक है भाई। चलो। अरे भाई देखो ठीक के चलो, क्या बखलोल तुम लोग हो भाई, कैसे चल रहे हो? एक तो हमारे साइकिल की हवा ही निकाल दी है यार, कैसे? अरे ये तो प्रकाश झा जी है। तू पागल है? प्रकाश सर तो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, वो ऐसे साइकिल पे थोड़ी चलेंगे, वो तो सूट बूट पहन के महंगी गाड़ी में चलते हैं। अरे नहीं ये वही है। तू पागल है? मैं पूछता हूँ। मगर भाई तुम लोग कौन हो और क्या ढूंढ रहे हो? अरे हम अपना नौकर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये कह रही है प्रकाश झा जी है डायरेक्टर। आप वही है ना? वो तो है मगर। देखा मैंने कहा था ना, आप सच्ची में प्रकाश सर हैं? सर मैंने आपकी सारी मूवीज देखी है, सारी मूवीज। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन आप यहाँ ऐसे साइकिल पे क्या कर रहे हैं? मट्टो की साइकिल लेकर के घूम रहे हैं यार, 16 सितंबर को आ रही है ना पिक्चर। हाँ हाँ मैंने ट्रेलर देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ मजदूर का रोल किया उसमें हमने, मगर हमारी साइकिल बराबर नहीं चल रही, हम कैसे पहुँचेंगे सिनेमा हॉल? अरे सर हम ले चलेंगे ना 16 सितंबर को, उस दिन तो टिकट भी 75 रुपए में मिलेगी, दोनों चलेंगे देखने। मट्टो की साइकिल? हाँ सर मैं जरूर आऊंगा मूवी देखने बीवी के साथ, लेकिन अभी नौकर को ढूंढना पड़ेगा। मगर ध्यान से, एक खूनी नौकर घूम रहा है शहर में, उसको तो नहीं तुम लोगों ने रख लिया? नहीं 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 सर। गनीमत है 500 रुपए लेके भाग गया। ठीक है सर 16 सितंबर को मिलते हैं, बाय सर। साइकिल पकड़ो और मट्टो के पास पहुंचा देना। ठीक है सर, मट्टो की साइकिल 16 सितंबर को मिलते हैं सिनेमा हॉल में। राजू 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 ए राजू राजू। अबे गुड्डू तू यहाँ? अरे भाई मुझे सच में टेंशन हो रही है कि कहीं वो नौकर खूनी नौकर तो नहीं। अबे घोचू सारे पहाड़ ढूंढेंगे, और अगर वो नौकर घर पहुँच गया तो? इतनी मुश्किल से तो नौकर मिला है, तुम दोनों यहाँ ढूंढो मैं घर जा रही हूँ। ठीक है भाई, काम करते हैं पार्क में ढूंढते हैं, क्या पता वो आफ्टरनून वॉक पे आ गया हो। सही कह रहा भाई, चल चल। यार गुड्डू समझ नहीं आ रहा स्वीटी को किस मुंह से जवाब दूंगा। अपने सड़े हुए मुंह से। चल स्वीटी भाभी, स्वीटी भाभी, स्वीटी। खूनी नौकर, तूने मेरी बीवी को मार दिया, तुझे नहीं छोड़ेंगे, इसकी तो खिचड़ी बना दूंगा। अरे तुम इस नौकर को क्यों मार रहे हो? भाभी आप जिंदा हो? और ये खून? अरे ये तो केचप है। केचप? हाँ आज राजू ने मस्त पकौड़े बनाकर खिलाए थे, तो स्वाद स्वाद में पता ही नहीं चला कब केचप मुंह पे लग गया। सॉरी राजू भैया, हमें लगा आप खूनी नौकर हो,
अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, खूनी नौकर, हम खून देख के बेहोश हो जाएं, भला किसी का क्या खून करेंगे, और हमें यहाँ काम नहीं करना जहाँ हमारे बारे में ऐसा सोचा जाता हो, हम जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, आज इन दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। राजू तुम इतने अच्छे नौकर कब से बन गए? अरे मिश्रा जी को जान से मारने के बाद बने। क्या तुमने उन्हें मार दिया? अरे मेरे कहने का मतलब है मालकिन कि हमारा पहले नाम था राजू मिश्रा, हम एक ऑफिस में काम करते थे, उस ऑफिस में सर हमको मिश्रा जी बुलाया करते थे, फिर वो ऑफिस बंद हो गया, उसके बाद हम मिश्रा जी को मार दिए और बन गए राजू नौकर। वाह राजू, तुम्हारी स्टोरी तो बहुत मोटिवेशनल है। है ना मैम साहब, अगर नेहा कक्कड़ सुन लेना तो हमको रोते रोते मुंबई बुलाएगी। सारे बर्तन धो दिए, झाड़ू लगा दी पूरे घर में, डस्टिंग कर दी है, बालकनी भी साफ कर दी। जाओ राजू आराम से सो जाओ। ओके मैम साहब, गुड नाइट। और सुनो अब तुम दोनों, राजू की इज्जत किया करो, ये खूनी वूनी नौकर सब छोड़ दो, समझ आई? ओके ओके, अब जाओ जाकर सो जाओ। अरे आए अफवाह फैलाने वाले। अब पूरे भरोसे में आ चुके हैं ये लोग, आज रात होगा इन पर चाकू से वार और खत्म हो जाएगी इन लोगों की कहानी। लग गई। हमें मारने आया था खूनी नौकर। जितनी मर्जी कोशिश कर ले बेटा, ये रस्सी का जोड़ है, आराम से नहीं टूटेगा। तुम लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला? अबे तू स्मार्ट तो जरूर है लेकिन हम भी ओवर स्मार्ट है। अगर ये सच में खूनी नौकर है ना तो इसकी सारी हरकतें इस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब पूरे भरोसे में आ चुके हैं ये लोग, आज रात होगा इन पर चाकू से वार और खत्म हो जाएगी इन लोगों की कहानी। छोड़ दो मुझे वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। बेटा अब तुझे कोई नहीं बचाने वाला, अब तू सीधा जेल जाएगा। बच्चो तुम नहीं बचोगे क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी गैंग है और उनमें से कोई ना कोई बंदा यहाँ पे पहुंच चुका है। क्या? और आप लोग पार्ट 2 देखना चाहते हो? नीचे कमेंट करके बताओ। गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, रेड वाला बटन है दबाओ, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है, और पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना। गाइस कमेंट कर देना, पता नहीं जान बचेगी नहीं बचेगी।